इतनी जगह छोड़ता है जिससे उसकी चोंच उसके अंदर जा सके। इसके कुछ दिनों के बाद फीमेल बर्ड अंडे दे देती है और उसके कुछ दिनों के बाद उन अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। अब मेल बर्ड की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अब उसको अपने और अपने पार्टनर के साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी खाना लेकर आना है।